ये देखिए आप, ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूं किस तरीके से हजारों की संख्या है इन फिशिंग ट्रॉलर्स, फिशिंग बोट्स की, जो चीन ने उतारती है। और कहां उतारी है? ये मेनलैंड चाइना, ये ताइवान, राजधानी ताइपी, एक तरफ तो ये दक्षिण चीन सागर है। जरा नजदीक ले आइए कैमरा को ताकि दर्शक आसानी से देख सके। ले आइए, ये मेन चाइना, ये ताइवान, ये देखिए इधर दक्षिण चीन सागर, ये वाला जो हिस्सा है ना दक्षिण चीन सागर का, यहां पर ये चीन की जो फिशिंग ट्रॉलर्स हैं, जो फिशिंग बोट्स हैं, वो उसने उतार दिया हजारों की संख्या में। और वहीं दूसरी तरफ ये हिस्सा, ये पूर्वी चीन सागर का हिस्सा है। तो दो तरफ से एक तरीके से आप समझ सकते हैं किस तरीके से ताइवान की ये घेराबंदी करता हुआ, चीन की ये नापाक साजिश, जो समुद्र के जरिए अब चीन कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में जुटा हुआ है। ताइवान की घेराबंदी चीन की तरफ से की जा रही है दो तरफा, एक दक्षिण चीन सागर की तरफ से, दूसरा पूर्वी चीन सागर की तरफ से। और बड़ी बात यह कि बड़े बड़े युद्धपोत नहीं हैं जो चीन उतार रहा है समुद्र में, बल्कि फिशिंग ट्रोलर्स, फिशिंग बोट्स, लेकिन हजारों की संख्या में हैं। और इससे चीन का मकसद यह है कि किसी तरीके से जो फ्लैश पॉइंट्स हैं ताइवान के साथ भिड़ने के, उनको बढ़ाया जाए ताकि तनाव जो है ताइवान के साथ वो बढ़े और आर्थिक मार ताइवान पर मारी जाए। तो कुल मिलाकर दो तरफा मार जो चीन ताइवान को मार रहा है। पूर्वी एशिया अब जंग का वो मैदान बन चुका है जहां एक चिंगारी भी ऐसा युद्ध भड़का सकती है जिससे पूरी दुनिया में आग लगने का खतरा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।